हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान से ट्रिक लाई हूँ जिसकी हेल्प से आप बड़ी से बड़ी टेबल बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और हाँ, मेन इसका क्या है, मेन फायदा क्या है इसका, आप इसको ना किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 से लेके 100 तक की टेबल बहुत ही आसान तरीके से याद करना सिखाने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपने ट्रिक। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं टेबल 9 की। 2 से 8 तक की टेबल्स तो हमको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, वैसे तो 9 की टेबल भी हमको आसानी से याद हो जाती है, पर टेबल ऑफ 9 की वही हम ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है टेबल ऑफ 9 में। पहले यहाँ पर आपको काउंटिंग लिखनी है 0 से कहाँ तक 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, बैक काउंटिंग लिखनी है। 9 की टेबल है तो 9 से ही शुरू करेंगे, तो 9 8 7 सामने ही लिखना बिल्कुल नंबर्स के। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, अब तो हमारी टेबल निकल गई 9 की टेबल। तो 9 बस इसे लिख दो 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। आप देख रहे हो, मैं सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन करके लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। तो आ गई हमारी 9 की टेबल। तो ये थी हमारे पास 9 की टेबल के लिए वो आसान सी ट्रिक। चलिए देखते हैं क्या ये ट्रिक्स और क्वेश्चंस और जो टेबल्स हैं उसमें लगेगी। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी और टेबल लेते हैं। कौन सी टेबल लें अब हम, चलिए अब हम ऐसा करते हैं 13 की टेबल में देखते हैं। तो टेबल ऑफ 13, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है 13। तो आप क्या करो, अपने जो लेफ्ट साइड है उस पर 1 की टेबल लिख दो। 1 लिखा है तो यहाँ 1 की टेबल लिखते हैं। 1 2 3, 1 की टेबल तो यही होती है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ठीक है, और अब इस साइड लिखा है 3 आपके राइट साइड पे, तो आप क्या करो राइट साइड पे 3 की टेबल लिख दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ठीक है, अब आप इससे 13 की टेबल कैसे निकालोगे, देखो तो 1 3 13, 2 6 26, 3 9 39 मिला के देख लूं। अब आप देखो यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर है, तो कुछ नहीं करना आपको, वंस प्लेस तो यही लिखना है ऐसी, और टेंस प्लेस को इसमें प्लस करके लिखना है, 4 प्लस 1 5। ठीक है, इसे प्लस करना है सिर्फ इसको। ठीक है, मैं यहाँ लाइन डाल देती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हमें किसको प्लस करना है। ठीक है ना, इनको आपको प्लस करके लिखना है बस। फिर चलिए यहाँ पर लिखा 5 5 प्लस 1 6, ठीक है 78। अब कितना आएगा यहाँ पर 91। अब तो आप बहुत आसानी से इसे कर पा रहे होंगे 104। ठीक है 117, और यहाँ पर कितना आ गया 130। तो लो ये आ गई आपकी 13 की टेबल। तो क्या दिक्कत होगी अब हमारे को इसको याद करने में, कोई दिक्कत होगी ही नहीं अगर हमारे को ये ट्रिक पता है तो। ठीक है, चलिए थोड़ी और बड़ी टेबल लेते हैं, उस पर देखते हैं कैसे ट्रिक लगेगी ये वाली। अब मैं ले लेती हूँ, चलो कौन सी टेबल लूँ, चलो अब हम लेते हैं टेबल लेते हैं 18 की। आप कोई सी भी ट्रिक ले सकते हो, कोई सी भी टेबल ले सकते हो और उस पर ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो 2 से लेके 100 तक की टेबल पे। ठीक है ना, चलिए 18 लिखा है तो क्या करें, इधर हम 1 की टेबल लिखते हैं अपने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 8 की टेबल लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ 8 की टेबल लिखते हैं 8 16 24 32, ठीक है 40 48 56 64 72 और 80। अब क्या करना है हमको, सारे वंस प्लेस लिखने हैं इसके, ठीक है, और टेंस प्लेस पे ये वाला है तो 18। अब आप देखो प्लस करके लिखोगे अब आप, है ना, अभी हमने पीछे किया था तो 2 प्लस 1 हो गया 3 और 6 ऐसी है, 3 प्लस 2 हो गया आपका 5 और 4 आपका ऐसी रहेगा, 4 प्लस 3 7 और 2, 5 प्लस 4 9 और 0, 6 प्लस 4 10 और ये 8 ऐसी है, ठीक है ना, 7 प्लस 5 12 और ये 6 ऐसी है, 8 प्लस 6 14 और ये 4 ऐसी है,
9 प्लस 7 16 और ये 2 ऐसी है, 10 प्लस 8 18 और 0 ऐसी है। ये लो, ये आ गई आपकी 18 की टेबल। है ना आसान ट्रिक? हर टेबल में आप ये ट्रिक लगा सकते हो 2 से लेके 100 तक। ठीक है, चलिए थोड़ी और आगे की टेबल देखते हैं अब हम। ये तो हम छोटी टेबल सभी कर रहे थे, चलिए अब कौन सी टेबल लें आप बताओ। ऐसा करते हैं अब हम 41 लेके देखते हैं, थोड़ी बड़ी टेबल लिखते हैं, टेबल ऑफ 41। तो यहाँ 41 लिखा है, आपको क्या करना है, जो आपके पास लेफ्ट साइड में नंबर है उसकी टेबल लिखनी है। तो अब यहाँ 4 है, 1 नहीं है, तो अब आप यहाँ 4 की टेबल लिख दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 18, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अब आप यहाँ क्या करो, 1 की टेबल लिख दो, क्योंकि यहाँ राइट साइड पे 1 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे देखो, 4 1 41, 8 2 82। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 8 2 82 आ गया। अब यहाँ आएगा हमारा 123, 164। तो देखो इसमें आपको प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका वंस प्लेस सिंगल डिजिट ही है ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 205, 246, 287, 328 और यहाँ कितना आ गया, 369 और लास्ट वन, अब ये टू डिजिट है तो इसको इसमें प्लस कर दो, 40 प्लस 1 41 और 0 ऐसी है। है ना, सेम ट्रिक है, बस टेबल अलग होती जा रही है और ट्रिक सेम लग रही है 100 तक में। चलिए अब थोड़ी बड़ी टेबल लेके देखते हैं और 41 के बाद। अब मान लेते हैं, अब मैंने टेबल यहाँ पर ली, टेबल ऑफ 98। आप ये देख के सोच लूंगे तो बहुत बड़ी टेबल है, इसमें तो ये ट्रिक लगेगी ही नहीं। नहीं बिल्कुल, इसमें भी ये ट्रिक लगेगी। आपको क्या करना है, बस 98 है तो राइट साइड पे, ठीक है, आपको 8 की टेबल लिखनी है और लेफ्ट साइड पे आपको 9 की टेबल लिखनी है। तो चलिए 9 की लिखते हैं पहले। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, ऐसी करते हुए हमने यहाँ पर पूरी 9 की टेबल लिख ली। और 9 की टेबल की अभी हमने ट्रिक सीखी है, उससे भी लिख सकते हैं ये हम, ठीक है ना। चलिए अब 8 की टेबल लिखे हैं यहाँ पर, तो चलो 8 1 जा 8, यहाँ पर 16 लिखा, 8 3 जा 8, 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, देन 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 80। अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, पहला नंबर तो यही रहेगा 98, अब 6 ऐसे ही रहेगा वंस प्लेस और इस 1 को इसमें प्लस कर दो तो 19 बन गया। ये 4 ऐसे ही रहेगा, 2 को 27 में प्लस किया 29, 2 ऐसे ही रहेगा, ये वंस प्लेस सबके ऐसे ही लिखने हैं, 36 में 3 प्लस किया 39। ठीक है ना, 0 ऐसे ही रहेगा, 45, 5 में 4 प्लस किया आपका 9 आ जाएगा, 49 बन गया। 8 ऐसे ही रहेगा, इस 4 में ये 4 प्लस किया तो 58 आ गया आपका। करते करते आपने यहाँ पर सारा प्लस करके लिखा तो आपकी बहुत ही आसानी से कौन सी टेबल आ गई, ये आपकी आ गई यहाँ पर किसकी टेबल, 98 की टेबल आ गई। ठीक है, तो हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, 90 प्लस 8 98, ये रही आपकी 98 की टेबल। तो आप इस ट्रिक से 2 से लेके 100 तक कोई भी टेबल बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और कोई से भी एग्जाम में इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, कोई सा भी नंबर लेके इस ट्रिक से टेबल जरूर निकालिएगा। ठीक है ना, लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।